दोस्तों, आप सभी ने ओला कैब के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक ओला कैब बुक करना नहीं आता है। तो अभी तक अगर आपको ओला कैब बुक करना नहीं आता है तो ओला कैब बुकिंग के बारे में पहले ही एक वीडियो में बना चुका हो, और अभी तक वो वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो के आई बटन में जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए। और आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि ओला कैब ऐप से ऑटो रिक्शा हम कैसे बुकिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो ओला के वेब से आप किसी भी प्रकार के गाड़ी बुकिंग करना सीख जाएंगे। तो मेरा नाम है मिथुन और आप देख रहे हैं डिजिटल मिथुन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल मिथुन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ओला कैब ऐप से ऑटो बुकिंग करने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में ओला कैब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ओला कैब एप्लीकेशन को आप अगर एक एंड्रॉइड यूजर है तो गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अगर एक आईफोन यूजर है तो आप ऐप स्टोर से ओला कैब ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, मेरा जो आईफोन डिवाइस है, हम ऐप स्टोर से ओला कैब एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लेंगे। तो ऐप स्टोर में हम जाएंगे और उधर आपको सर्च बॉक्स में लिखना होगा ओला कैब। ओला कैब लिख के सबसे पहले जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है ओला कैब्स, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इधर आप देख सकते हैं कि ओला द टॉप राइट हाइलिंग ऐप, यानी कि ये एप्लीकेशन जो है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हो। तो मैं ओला एप्लीकेशन का जो डाउनलोड लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, गूगल के प्ले स्टोर का और ऐप स्टोर का भी, दोनों ऐप जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मेरा जो एप्लीकेशन ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर लिया हो तो हम सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है लॉगिन करने का, जैसे कंटिन्यू विद फोन नंबर, यानी कि आप एक मोबाइल नंबर से ही आपके ओला कैब में जो है एक अकाउंट बना सकते हैं और ओला से जो भी किसी भी तरह का गाड़ी जो है बुकिंग कर सकते हैं। आप अगर चाहे तो इधर जो गूगल के जो अकाउंट से, या फिर आप फेसबुक अकाउंट से, या फिर आप मेरा जो से गूगल के सॉरी मेरा जो आईफोन डिवाइस है यानी कि हमारा एपल आईडी से भी हम जो है एक ओला में अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाएंगे। तो कंटिन्यू विद फोन नंबर के ऑप्शन पर सिंपली हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर से आप ओला कैब में अकाउंट बनाना चाहते हैं, यानी कि उसमें एक ओटीपी आएगा, तो ध्यान रखें कि जो भी मोबाइल नंबर आपके चालू है यानी कि मोबाइल में लगे हुए हैं वही नंबर से ही आप अकाउंट बनाएं। हो सकता है कि मोबाइल जो है दूसरे डिवाइस में लगे हुए यानी कि दूसरे मोबाइल में, तो दूसरे मोबाइल का नंबर भी आप जो है इसमें डाल सकते हैं, सिर्फ उधर का जो ओटीपी आपको इसमें डालना पड़ेगा। तो चलिए, हमारा जो मोबाइल नंबर है वो हम डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को हम सिंपली इधर से एंटर कर देंगे। उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो अकाउंट है क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ओला कैब में अकाउंट है बन गया है। अब हम आसानी से ओला कैब ऐप के माध्यम से किसी भी तरह की गाड़ी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया था कि मैंने आज जो है इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ओला कैब ऐप से ऑटो कैसे बुकिंग कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ ऑटो बुकिंग आपको दिखाऊंगा। और आपको अगर किसी भी और तरह की गाड़ी बुकिंग करना है तो इसके बारे में कम्प्लीट वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए। तो चलिए, अभी हम दिखाएंगे कि कैसे जो है गाड़ी बुकिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले इधर आपको देखने को मिल रहा है सर्च डेस्टिनेशन, यानी कि इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे इधर आपको बता रहे कि इधर से जो हरा कलर का सिग्नल आपको दिख रहा है यानी कि इधर से आपको जाना है, और रेड कलर का जो ऑप्शन दिख रहा है इधर एंटर डेस्टिनेशन यानी कि इधर तक हमें जाना है। तो आपको कहाँ से जाना है सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले कभी कभी ऑटोमेटिकली आपका करंट लोकेशन जो इधर ट्रैक कर लेता है, लेकिन कभी कभी नहीं कर पाते तो समय के साथ साथ, तो आपको उधर से जो है मैनुअली भी आप जो है डाल सकते हैं। तो चलिए, हम मैनुअली इधर डालेंगे। तो हरा कलर का जो ऑप्शन देख रहे हो उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद हम सिंपली मैन्युअली कुछ डाल देंगे, जैसे हमें आईआईटी मार्केट से अगर जाना है, इधर आपको आईआईटी जो भी एरिया से आपको जाना है, आप अगर थोड़ा सा कुछ उधर का जो लोकेशन एंटर करेंगे तो उस लोकेशन के अलग अलग आपको एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपली जो भी एरिया में आप रहते हैं उधर का, जहाँ से भी आपको जाना है उधर का एड्रेस आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये जो सिलेक्ट करते हैं वाईपी रोड गोखले नगर आईआईटी एरिया पर, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एंटर डेस्टिनेशन यानी कि आपको कहाँ तक जाना है, तो वो आप इधर से एंटर करेंगे। जैसे मुझे लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वो हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे एलडीटी टर्मिनस रेलवे स्टेशन। तो आप देख सकते हैं कि इधर अलग अलग जो रेलवे स्टेशन है लोकमान्य तिलक का, तो आपको इधर से देखने को मिल रहा है। तो हम इधर जो है सिलेक्ट कर लेंगे लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन, उसके बाद उस पर क्लिक कर देंगे।
उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो एड्रेस है यानी कि जहाँ से हमें जाना है और कहाँ तक जाना है उधर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद रिकमेंडेड फॉर यू यानी कि इस रूट में जाने के लिए कौन कौन सा गाड़ी अवेलेबल है और कौन कौन सा प्राइस रेंज अवेलेबल है वो आपको इधर देखने को मिल जाएगा। जैसे प्राइम प्ले में आपको 342 रुपये लगेगा। उसके बाद है बुक एनी यानी कि कोई भी गाड़ी अगर आपको चलेगा तो 270 से 342 के अंदर मिल जाएगा आपको। उसका है प्राइम सेडम यानी कि ये 318 में मिल जाएगा। उसके बाद बुक यानी मोर अवेलेबल, तो मुझे जो है अभी ऑटो बुकिंग करना है, तो चलिए हम ऑटो बुकिंग करके आपको दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इधर ऑटो बुकिंग गेट ऑटो सेट योर डोर स्टेप यानी कि आप अगर ऑटो में जाना चाहते हैं ये लोकेशन में तो आपको 219 रुपये देना पड़ेगा। तो हम सिंपली ऑटो के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऑटो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर आपको बता रहे कि इधर जो अप्लाई कूपन यानी कि इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं पेमेंट करने के लिए। तो आप अगर कैश में पेमेंट करना चाहते हो तो कैश सिलेक्ट रहने देंगे, और अगर आपको किसी और तरीके से जैसे इधर आपको ओला मनी फ़ोनपे कैश इधर अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इधर आपको ऐड पेमेंट मेथड यानी कि आपके जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड गूगल पे का UPI ID इधर जो है लिंक करके रख सकता है, उधर आपको कुछ ना कुछ जो है डिस्काउंट मिल जाएगा सेव अप टू यानी कि आप अगर पेमेंट मेथड ऐड करके रखेंगे तो थोड़ा पैसा आपको बचत हो जाएगा। लेकिन मुझे कैश में पेमेंट करना है तो कैश के ऑप्शन पर हम सिंपली क्लिक कर रहने देंगे इसको। उसके बाद नीचे कन्फर्म के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको बुक ऑटो के जो ऑप्शन दिख रहे हैं उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद इधर आपको बताया जा रहा है कि गेट कोविड केयर पैकेज एट 8 रुपीज़ पर राइड यानी कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि आप अगर कोविड केयर पैकेज में राइड लेते तो आपको 8 रुपये जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इसमें आपको बता रहे एंजॉय सेफ एंड सैनिटाइज राइड एक्सपीरियंस एलॉन्ग विथ फ्री इंश्योरेंस फॉर कोविड एंड एमरजेंसी इलनेस यानी कि एमरजेंसी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम होता है जाते समय तो आपको कुछ आपको जो है पैकेज ले सकते हैं। 8 रुपये आपको हर एक पैकेज में देना पड़ेगा यानी कि हर एक ट्रैवल में राइड में आपको 8 रुपये देना पड़ेगा। तो आप पैकेज आप ले सकते हैं और आप अगर इसको छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए मैं इसको जो है अभी इग्नोर करेंगे, तो रिमाइंड मी लेटर के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको इधर जो कंफर्म पिकअप का ऑप्शन, कंफर्म पिकअप यानी कि आप कहाँ से जाना चाहते हैं, तो आपका अगर इसको जो है कुछ भी एडिट करना चाहते हैं, आपको अगर लोकेशन कभी चेंज हो जाते हैं, आपको अगर इसको चेंज करना है, जैसे मैंने IIT मार्केट कुछ सिलेक्ट किया था, तो आप इसको अगर चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ और सिलेक्ट करते हैं, जैसे मुझे IIT मार्केट से ही जाना है, तो हम इसको फिर से सर्च करके एक बार वही क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कंफर्म पिकअप के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देंगे। कंफर्म पिकअप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर आपको बताया जा रहा है कि ऑलवेज वेयर मास्क ट्रैवल ओनली इफ यू आर कंप्लीटली सिम्टम फ्री यानी कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि जैसे अभी कोविड के सीजन चल रहा है इस वजह से आपको कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। आपको अगर ओला में राइड करना है तो आपको मास्क लगाना है, जो भी सैनिटाइज जो भी प्रोसेस है वो आपको फॉलो करना है। आप इधर से एक बार जो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप इधर जो प्रोसेस के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। प्रोसेस के ऑप्शन पर क्लिक करने में इधर आपको बताया जा रहा है कि फेयर हैज बीन अपडेटेड यानी कि 216 रुपये आपको देना पड़ेगा आप अगर इस राइड में राइड को करना चाहते हैं, तो इधर आपको कंफर्म करना है। उसके लिए आपको एक्सेप्ट एंड बुक यानी कि आप अगर जो भी प्राइस अभी आपको दिखा रहे सेम प्राइस आपको देना पड़ेगा आप अगर सेम लोकेशन टू सेम लोकेशन तक जाना चाहते हैं। तो चलिए हम एक्सेप्ट एंड बुक के ऑप्शन पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लुकिंग फॉर ए सेफ एंड हाइजीनिक राइड नियर बाई यानी कि आपके नज़दीकी जो भी एरिया में जो भी ऑटो है उनको सर्च किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो राइड है ये कंफर्म हो गया। उधर आपको गाड़ी का नंबर देखने को मिल रहा है, जो भी ड्राइवर का नाम आपको देखने को मिल रहा है, उसका जो रेटिंग्स है आपको देखने को मिल रहा है। आप उनको इधर से चाहे तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो लोकेशन कहाँ से कहाँ तक जाना है वो आपको देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ इधर आपको जो है कैंसिल भी कर सकते हैं, और उसके आप नीचे आपको और भी कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है जैसे कैंसिल सपोर्ट शेयर। आपका जो राइड किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से आपके ओला कैब ऐप से ऑटो बुकिंग कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आएगा, और इस जानकारी से जुड़े हुए आपके मन में किसी भी तरह के सवाल है फिर सुझाव है तो आप नीचे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय में और भी नई नई सी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।